देखिए ये प्रकरण यदि शांत नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो निर्दोष गोभक्त पकड़ रखे हैं पुलिस ने और उनके ऊपर पिटाई कर रहे हैं, तो या तो उनको बहाल करें, और यदि बहाल नहीं होते हैं तो 7 दिन के बाद पूरे देश के, भारतवर्ष के गोभक्त इकट्ठे होके और वापस से आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा। यही है, जो निर्दोष है उनको बरी करें और जो अवशेष है उनको प्राप्त करके और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। में मुलजिम बिल्कुल सामने थे, आई विटनेसेस मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमने गोकसी अपनी आंखों से देखी है। ऐसी परिस्थितियों में भी न्याय में 5-7 दिन का विलंब, FSL की रिपोर्ट का इंतजार आना, उसके बाद FSL की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें गोमांस पाया गया, उसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया और सिर्फ गोवंश अधिनियम की धाराएं लगाई, जबकि देशद्रोह जैसी धाराएं उन पर लगाई जानी चाहिए थी। हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत किया गया, 295 जैसी धाराएं और असंगेय धाराएं उन पर लगाई जा करके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। प्रशासन ने उसके विपरीत कदम उठाते हुए जो धरने के शांतिपूर्ण रूप से जो हिंदू समुदाय धरना दे रहा था उन्हीं के खिलाफ में उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उन्हीं के विरुद्ध झूठे मुकदमा दर्ज किए गए और उनको जेल में डाल दिया गया। सुनने में आ रहा है कि 100 से 150 कार्यकर्ता हिंदू समाज के लोगों के ऊपर झूठी कार्रवाई की गई है, सिर्फ शांति व्यवस्था की बहाली के नाम पर। शांति व्यवस्था की बहाली इस तरीके से नहीं हो सकती है कि एक ही पक्ष को दबा दिया जाए। अभी पिछले हनुमानगढ़ जिले में जो 2-3 जो ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं, सभी में ये देखा गया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सिर्फ हिंदू समाज की जन भावनाओं को ही दबाया जा रहा है, हिंदू समाज की भावनाओं को ही बार बार आहत किया जा रहा है। सरकार से इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से ये मांग करते हैं, हम विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये डिमांड करते हैं कि जिन भी निर्दोष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत रिहा किया जाए और प्रकरण की किसी सक्षम उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाकर इस प्रकरण में जो मौलवी संलिप्त है, क्योंकि लड़ाई दो सभ्यताओं के बीच की लड़ाई लग रही है, एक गाय को रोटी देने वालों की और एक के रोटी के साथ गाय को खाने वालों की, इसलिए इसकी समुचित रूप से इसकी जांच करवाई जाकर के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की हम VHP की तरफ से डिमांड करते हैं।